Hello students, I am Vishal Kumar Verma. I am chemistry teacher in Quantum Leap. आप लोग ये वीडियो Quantum Leap चैनल पे देख रहे हैं. Quantum Leap एक लीडिंग प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है. यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रीम के पढ़ाई करवाते हैं मेनली, और साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं. इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स क्लास 11-12, और साथ में ही हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं. तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं IITs, और उस कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, फर्स्ट में जी मेंस, आफ्टर दैट एडवांस्ड. हम लोग इस चीजों के लिए तैयारी करवाते हैं. दूसरा मेडिकल के लिए, एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्जाम पहले निकालना पड़ता है. तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्ट्रीम की तैयारी करवाते हैं. ओके, आज का तो हमारा चैप्टर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे. अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हम लोग कोचिंग सारा बंद रखे, ऑफलाइन मोड बंद है. तो हम लोग कहाँ है, जहां पे हम लोग रह रहे हैं वहीं से भी क्लास चालू हो रहा है, ठीक है. जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, सारा कंडीशन सुधर जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास में भी पढ़ाएंगे और क्लास में भी वीडियो बना के हम लोग वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग को प्रोवाइड की जाएगी. साथ में हम लोग करेंगे हर कोर्स चैप्टर पढ़ाने के बाद या चैप्टर के साथ में ही हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी रख सकते हैं, आगे रखेंगे, आगे का प्रोग्राम है. और हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखेंगे. अगर कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं. हम लोग हमारी टीम सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे. ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ाना चाहेंगे. होता क्या, क्लास 10 और क्लास 11 के बीच एक सिलेबस का गैप हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं सीधे एडवांस पढ़ने लगते हैं. तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो पहले हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री दोनों लगता सेम है बट डिफरेंट है. क्या होता है, केमिस्ट्री में अल्फाबेट्स होते हैं ए बी, इंग्लिश में सर सी डी ई, 26 स्मॉल में ए बी सी डी. बट इन केमिस्ट्री में ये अल्फाबेट्स हम लोग एलिमेंट्स के लिए लेते हैं, एच फोर हाइड्रोजन, एच फोर हीलियम, एल आई फोर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और बढ़ते जाएंगे. बुक में 118 एलिमेंट्स दिए अप्रोक्सीमेटली, अभी जो नए बुक में 126 एलिमेंट्स है, और बहुत एलिमेंट्स पे रिसर्च हो रहा है. इंग्लिश में सेंटेंस होता है आई एम गोइंग, सिंपल सा. बट इन केमिस्ट्री हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, CH3 प्लस CH4 प्लस O2, देखिए क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, हीट इन्वॉल्व होता है, ठीक है. अगर हम इसको और एक्यूरेटली लिखे तो CH4 G4 गैसियस मीडियम, O2 गैसियस मीडियम, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और वाटर का वेपर, वेपर मतलब वाष्प, प्लस हीट रिलीज होता है. अब इसके बाद क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है. बैलेंस कैसे करते हैं, कार्बनिक है यहाँ भी कार्बनिक, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 4 2, ठीक है. एक बात हुई केमिस्ट्री की, हम लोग इंग्लिश में क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. क्या है उसके बाद क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं ना, कितने, पास्ट
प्रेजेंट फ्यूचर। बट इन केमिस्ट्री हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वेरियस टाइप्स लाइक एडिशन, डिकम्पोजिशन, ये सब क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट हमें अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश में अगर लिखे जी ओ गो, इसका मतलब होता है जाना, जी स्मॉल ओ इसका मतलब होता है जाना, बट केमिस्ट्री में सीओ दोनों कैपिटल हो, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी स्मॉल हो, अगर स्मॉल हो है तो ये हो जाता है कोबाल्ट। बस थोड़ा सा फर्क किसमें है, अगर अल्फाबेट हो कैपिटल से स्मॉल कर ले तो इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बस ये दोनों डिफरेंस है इंग्लिश में और केमिस्ट्री में। ओके, करेक्ट। अगर केमिस्ट्री में बात करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट टेल्स अस क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला बताता है, क्या पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या फॉर्मूला में कितना टाइप्स ऑफ एटम किसी एलिमेंट्स का प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे और हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, बात करते हैं हम सिंपल सा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, कौन कौन सा एलिमेंट्स है इसमें, ये कैल्शियम का एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ये कितने हैं टोटल, इसका एक एटम है, एक मॉलिक्यूल, इसका भी एक और इसका तीन, टोटल कितने, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 5 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। सिंपल सा, हम लोग साल्ट नमक की बात करें, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl कॉमन सॉल्ट इसको कहते हैं, क्या हो गया नेम, सोडियम क्लोराइड। हमेशा हम लोग फर्स्ट में केटायन का नाम लिखते हैं, ये केटायन है, देन एनायन किसी भी साल्ट में। ठीक है, अगर हम लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, हमने क्या देखा, सोडियम क्लोराइड में NaCl था लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2। आप लोग क्लास 11 में, सॉरी क्लास 9 में ये चीज पढ़ चुके हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सर नहीं पढ़े उनके लिए। ठीक है, बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, ये डिफरेंस जो आया उसको हम लोग अभी सीखते हैं बैलेंसी के टर्म में। बैलेंस मतलब कितना वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है या कितना वो एलिमेंट
कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग वैलेंसी सिंपल से याद कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स या कुछ कुछ स्पेसिस हम लोग वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी ऑफ सम कॉमन स्पेसिस, सोडियम, Mg4, मैग्नीशियम, पहले प्लस वन देखते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, रुबिडियम, ये सब क्या होता है प्लस वन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बैरियम, प्लस टू। उसके बाद एल्युमिनियम, बोरॉन, प्लस थ्री, प्लस थ्री। कुछ कुछ कॉमन देखते हैं, आगे तो हम लोग पढ़ना है बट अभी कॉमन देख ले रहे हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन, माइनस थ्री, कार्बन प्लस फोर और माइनस फोर दोनों होते हैं, मैक्सिमम प्लस फोर ये बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन टू नेगेटिव, सल्फर टू नेगेटिव, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का वन नेगेटिव होता है। और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, नेम के साथ लिख रहे हैं सल्फेट, SO3, 4, 2, minus 1। जब भी केमिकल फॉर्म लिखेंगे चार्ज लिखते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग बैलेंसी लिखते हैं तो पहले न्यूमेरिकल वर्ड लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लिखते हैं। बट जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हो तो पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं नंबर, उसके बाद नेगेटिव साइन। बट अगर हम उसको चार्ज को दिखाते हैं, बैलेंसी को, ये सॉरी चार्ज है, बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं, टू नेगेटिव सल्फेट। अगर सल्फाइट के देखें क्या होगा, SO3 नेगेटिव। इस तरह फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फाइट PO4 PO3 3 नेगेटिव, ये चार्ज है और यहाँ वैलेंसी। सिमिलरली नाइट्रेट NO3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस पे वन। नाइट्राइट होंगे NO2 वन नेगेटिव चार्ज। और बात करें कार्बोनेट, बहुत सारा मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3 टू नेगेटिव। एक जहर होता है बहुत ही हाईली टॉक्सिक, साइनाइड, तो कॉपी कर लेंगे उसके बाद में। अब ऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्साइड ओ नेगेटिव और टू नेगेटिव, पर ऑक्साइड ओ टू के ऊपर टू नेगेटिव, मतलब ये ऐसा होता है एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज। सुपर ऑक्साइड, इसे याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वे मॉलिक्यूल्स हम लोग आगे लिखेंगे, कंपाउंड्स लिखेंगे, तो जब तक ये हमें पता नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सुपर ऑक्साइड O2 के ऊपर एक नेगेटिव, मतलब दो ऑक्सीजन है, एक के पे क्या है हाफ नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं आयरन, Fe, दो वैलेंसी होते हैं। पहला वैलेंसी जो होता है फर्स्ट वैलेंसी पॉजिटिव टू और सेकेंड वैलेंसी पॉजिटिव थ्री, कॉमन है ये। कॉपर में फर्स्ट वैलेंसी पॉजिटिव वन, सेकेंड वैलेंसी पॉजिटिव टू। एक चीज याद रखना है, किसी भी जब कोई भी ऐसा एलिमेंट लिखते हैं जिसमें कार्बन केटायन होगा, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, तो जब पहला वैलेंसी आएगा उसका फर्स्ट वैलेंसी कॉमन, हम लोग उसमें ओ यू एस जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ेंगे? ओ यू एस, और सेकेंड वैलेंसी में आई सी, फर्स्ट वैलेंसी ओ यू एस, सफिक्स बाद में जोड़ते हैं आई सी। ठीक है, ये तो कुछ कॉमन हो गया, हम इसे इलस्ट्रेट करते हैं, आगे देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। को मिलेगा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, कैल्शियम कार्बोनेट। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो नहीं पता उनके लिए लिखने, कैल्शियम यहां लिखेंगे, यहां कार्बोनेट लिखेंगे। ठीक है, हम लोग नेगेटिव चार्ज हटा देते हैं जब हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। कैल्शियम क्या होता है? प्लस टू बैलेंसी होता है, उधर कितना होता है? माइनस टू होता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया हमने, जीरो, इसको यहां लिखना था, इसको यहां लिखते हैं, दोनों बैलेंस कर दिया हमने, क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी एस यू थ्री। बट अगर बात करें हम पोटासियम कार्बोनेट, तो चीज एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग हमेशा केटाइन लिखते हैं, केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, टू बैलेंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, बाद में एनाइन लिखते हैं। पोटासियम के कार्बोनेट CO3, इसमें क्या होता है? प्लस वन चार्ज होता है, इस पे टू नेगेटिव चार्ज होता है, इसका चार्ज इस पे लिखते हैं, इसका चार्ज इस पे लिखते हैं, क्या हो गया? के टू और CO3, तो CO3 पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि पोटासियम का बैलेंस ही पॉजिटिव वन होता है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम का मैंने लिखवाया था, जो नहीं लिखे वो लिख ले। अमोनियम NH4 होता है इसका प्लस वन चार्ज। अब अमोनियम फॉस्फेट की बात करते हैं, तो NH4 इस पे प्लस वन चार्ज, फॉस्फेट PO4 इस पे थ्री माइनस चार्ज। क्या करेंगे? इसका हम लोग यहाँ इस पे लिखते हैं और इसका इस पे लिखते हैं, है ना? क्या हो जाएंगे? एनएस फोर थ्री, है ना? तो ये पूरे पे थ्री हो जाएगा। और हम लोग जब भी मॉलिक्यूल लिखते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो लोग चार्ज इसमें कभी नहीं लिखते हैं। थ्री पीओ फोर ये भी नहीं लिखेंगे, प्लस वन था, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, कॉपी। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स। चलो देखते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम बार बार लेंगे, बैरियम फॉस्फेट देखते हैं, बैरियम टू पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फेट थ्री, इसका यहां पे लिखते हैं और इसका यहां पे हमें लिखते हैं, बैरियम थ्री लिखेंगे, दो मॉलिक्यूल रहता है, ये दो आइटम रहता, लोग क्या करते हैं? होल लिखते हैं, एक ही है इसलिए थ्री लिखती है, फॉस्फेट पीओ फोर टू, है ना? बैरियम थ्री पीओ फोर
क्या बन गया, बैरियम फॉस्फेट। ओके अब बात करते हैं जिसमें मोर देन वन वैलेंसी है, फेरस ऑक्साइड। हमने बताया था जब ओ यू एस मिले सफिक्स तब उसका पहला बैलेंस लिखते हैं, आयरन का दो बैलेंस है पॉजिटिव टू और पॉजिटिव थ्री। जब पहला है ओ यू एस मीन्स फर्स्ट बैलेंसी, आयरन पे कितना पॉजिटिव टू, ऑक्साइड पे नेगेटिव टू, इसका यहाँ इसका लिखिए दोनों बराबर एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, क्या हो गया एफ ई। बात करें फेरिक क्लोराइड, फेरिक मीन्स आई सी मीन्स सेकेंड बैलेंसी, सेकेंड बैलेंसी क्या होता है आयरन का सेकेंड बैलेंसी पॉजिटिव थ्री होता है। फर्स्ट बैलेंसी कहने का मतलब वो नहीं जो पहला बैलेंसी आता है क्लोराइड और माइनस इसका यहां लिखेंगे, इसका यहां लिखेंगे ठीक है। अब कुछ मैं देता हूं होमवर्क, आप लोग कर लोगे अगर ये समझ में आ गया तो आगे बन जाएगा, सिंपल सा है। मैंने पहले भी कहा लिया हम लोग एलिमेंट्री चीज पढ़ रहे हैं ठीक है। राइट द केमिकल फॉर्मूलाज गिवन स्पेसीज कैल्शियम सल्फाइड प्लस ऑक्साइड पोटासियम सुपर ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने बताया नहीं लेकिन आप लोग पढ़े हुए हो ठीक है, इतना आप लोग को बना के लिखना है। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर लिखे ओके। ओके स्टूडेंट्स ये होमवर्क कर लेंगे, आज मैंने सिंपल पढ़ाया, कल से हम लोग कोर्स पे जाएंगे है ना। आप लोग होमवर्क कर लीजिए, आई थिंक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक ओके।